वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, इसराइल ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया था। हम सबको पता है कि इसराइल और गाजा का वार लगभग एक साल से चल रहा है, और जिसकी वजह से गाजा में डिफरेंट लोकेशन में जो वैक्सीनेशन था या फिर जो भी मेडिसिन पहुंचाना था वो एग्जैक्ट टाइम पे वो नहीं हुआ। ये सब जो सप्लाई है कम्प्लीटली इंटरप्ट है, और गाजा में बहुत दिन से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, जिसके वजह से वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीजेज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात बहुत दिन से ही चल रहा था, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो NGOs है इसको रेज कर रहे थे कि आगे जाके इसराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और इसराइल इन लोगों को चांस दें कि इन लोग गाज़ा में जाके वहाँ वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है या फिर जो डिजीजेज है उन लोगों के ऊपर ये लोग जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड कर पाए। लास्ट 25 ईयर्स में ये पहली बार हुआ है एक 10 मंथ के बेबी के अंदर पोलियो वायरस के जो जर्म्स है वो मिला है। हम लोग अगर देखें दुनिया से ये पोलियो लगभग जा चुका है, ऑन द अदर साइड गाजा में फिर से ये पोलियो दिखाई दे रहा है। तो ये एक मेजर इशू है आज के डेट में, जो पोलियो है ये लगभग दुनिया से ख़त्म हो गया है। अगर फिर से अगर पोलियो वापस आ जाता है तो आगे जाके ये एक महामारी ला सकता है। तो यही सारा प्रॉब्लम की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, कंट्रीज मिलके इसराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि भाई हम लोग को चांस दो, हम लोग को वहाँ जाना है, वहाँ वैक्सीनेशन करना है, जो भी डिजीजेज है जो लोग इससे इफेक्टेड है हम लोग को उन लोगों का ट्रीटमेंट करना है। जब ये प्रेशर डिफरेंट कंट्रीज़ के तरफ से भी इंटरनेशनली अराइज करने लगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हुए उन्होंने अपने तरफ से बोला कि भाई हाँ हम लोग 3 दिन जो है हम लोग कोई वार नहीं करेंगे, और ये सीज़फ़ायर नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग जो है हम लोग कोई अटैक नहीं करेंगे। अपोजिट साइड से जैसे हमास के तरफ से जो लड़ाई है वो लोग भी बोले कि ठीक है भाई हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग 3 दिन कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये बात ठीक हुआ। ऑन द अदर साइड जो NGO ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लोग अपने तरफ से जो व्हीकल है वो भेजा, अपने तरफ से जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा था। तो सेकेंड डे में इसराइल के तरफ से एक एयर स्ट्राइक और एक गन स्ट्राइक किया गया है 2 व्हीकल के ऊपर। अब ये 2 व्हीकल कौन सा था? ये 2 व्हीकल वही व्हीकल था जिसमें जो एड्स था वो ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसमें जो ये NGO के जो एम्प्लॉय थे वो लोग जा रहे थे। सबको पता है कि ये लोग जो है वो लोग एड्स सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, उन लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक करना नहीं चाहिए था, फिर से भी एयर स्ट्राइक किया गया। तो इसको लेके इसराइल के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ। तो इसराइल की तरफ से कहा गया कि हम लोग जिस कार पे अटैक किए थे उसमें क्या हुआ था, उसमें एड जा रहा था और कोई आर्म मैन है जो लोग ये एड को बच्चों से चुरा के वो लोग अपने लिए यूज़ करना चाह रहे थे, तो इसके वजह से ही हम लोग उस पर अटैक किए थे। ये जो NGO था इनके जो एम्प्लॉय थे ये लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, उन लोगों को आगे जाकर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। जब ये NGO के जो मेंबर थे उन लोगों को पूछा गया कि आप लोग के कौन कौन किसका क्या हालत है एग्जैक्टली, जो डिटेल्स पूछा गया ये अटैक के बारे में, तो वो लोग अपने तरफ से अपना जो एम्प्लॉय है उन लोग का डिटेल्स शेयर करना नहीं चाहे। वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग के जो ये काम कर रहे थे ये लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थे, जो लोग हम लोग के साथ मिल के यहाँ ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे थे ये हम लोग के एम्प्लॉई नहीं है, ये हम लोग के साथ काम करता है और वो लोग भी इफेक्टेड है। अगर इसराइल का सुने तो इन लोगों में से बहुत कोई है जो लोग के जो बच्चों का खाना था या फिर जो एड था वो चुराने का कोशिश कर रहा था, वो लोग आर्म फोर्स थे और इसीलिए इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था। इसके अलावा भी अगर देखें, इससे पहले इसराइल ने UN के एक कार पर अटैक किया था, गन स्ट्राइक किया था, और इस कार में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो लोग थे वो लोग अपने तरफ से जो खाना है वो लेके जा रहा था, जिस पे आगे जाके इसराइल ने अटैक कर दिया। तो ये सारा जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट इंटरनेशनल इसराइल के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू को देखें तो इसराइल में भी उनका जो ओपोनेंट है वो लोग भी उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सारा चीज़ों में घिरे हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनली प्रेशर भी है उनके ऊपर, साथ ही साथ गाजा में जो वार ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑन द अदर साइड बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से जो स्टेप लिया गया है कि इतना सारा जो 5-6 कंट्रीज़ को जो अटैक किया गया है उनमें से अभी भी ईरान शांत है, हो सकता है कि ईरान जो है अपना पॉलिसी बना रहा है आगे जाके ईरान भी अटैक करे। तो ये सब इंसिडेंट जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बहुत ही मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो इसराइल के अपोजिशन है उन लोगों के तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को जांच करेगा। इसमें क्या है, इन लोगों का जो अपोजिशन लीडर है उनका कहना है कि वो एक टाइम में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठ के बात कर रहे थे, उस टाइम में इसराइल का जो ब्रिगेडियर है वो आके बोले कि हम लोग के अगेंस्ट में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके इसराइल पर अटैक हो। तो ये चीज़ जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू ने उस टाइम में इग्नोर कर दिया, और कुछ दिन बाद मतलब 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ था जिसमें 1400 इसराइली जो सिटीजन है उन लोगों का डेथ हुआ था ये हो गया। तो इसको लेके वो लोग अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बोले, और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच करेगा कि ये बेंजामिन नेतन्याहू क्या सचमुच ये इग्नोर किया था या नहीं,
और इसको लेकर जो इसराइल के ऑपोजिशन है वो बेंजामिन नेतन्याहू को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए इसराइल के जो दुश्मन है इनका जो काउंट है ये काफ़ी बढ़ गया है। ऑन द अदर साइड ईरान अभी भी शांत है। ईरान यूएस के साथ आगे जाके डिस्कशन में बैठेगा और हो सकता है कि ईरान को आगे जाके न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ डेवलपमेंट देखे और ईरान इसी का वेट करे। इसके वजह से ईरान ने अभी तक इसराइल पर अटैक नहीं किया था, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत पहले ही ईरान को चाहिए था कि इसराइल के ऊपर अटैक कर ले, क्योंकि इसराइल ने जो किया है हमास का लीडर के साथ ईरान में वो एक मेजर इंसिडेंट है और एक मेजर रीज़न है ईरान का इसराइल पर अटैक करना। मगर ईरान अभी भी शांत है, मगर ये शांति के पीछे आगे जाके हो सकता है कि उन लोग का एक बड़ा प्लानिंग कुछ सामने आए। तो ये जो इसराइल का चैप्टर ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे पेजेस ऐड होगा। तो जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो बना दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ रतन पॉल ATANUSPEL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या पसंद देखना वीडियो वो उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दिन में डिफरेंट टाइम में वीडियोज़ आता रहता है तो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।